अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कोरोना महामारी किस तरह से तबाही मचाए हुए है हमारे देश में भी। और आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की डेथ भी हो रही है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि इसे किसी भी तरह से कंट्रोल करना है, इसके लिए हमारे यहाँ दो वैक्सीन पहले से ही लगाई जा रही हैं। एक आपकी कोवैक्सीन है, दूसरी आपकी कोविशील्ड है। लेकिन हाल ही में ही आपने सुना होगा कि स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है और हाल ही में हैदराबाद में पहली खुराक भी दी जा चुकी है इसकी, ठीक है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि स्पुतनिक वी का रिजल्ट जो अन्य दो वैक्सीन है ना उनसे बेहतर है, यानी कि काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ बनाई गई है और इसका कितना एक तरह से रिजल्ट आ रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, और एक किस पाउडर के रूप में भी ली जा सकती है, और एक तरह से आपकी जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है ना सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, उस तरह से भी ली जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार आप लोग रूस को देख लीजिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा रूस। और याद रखिए रूस का कुछ भाग आपका यूरोप में भी पड़ता है, कुछ भाग आपका एशिया में भी पड़ता है, ठीक है, दोनों महाद्वीप में पड़ता है। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि 1991 के पहले इसे सोवियत संघ कहते थे, कुछ देश आप यूरोप में हैं उन्हें मिलाकर पूरा एक सोवियत संघ हुआ करता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और रूस अलग हो जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो मॉस्को है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसकी अगर हम लोग क्षेत्रफल में, आपको मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, रूबल है, और भाषा यहाँ रूसी बोली जाती है। और शासन प्रणाली की बात करें तो संघीय है यहाँ शासन प्रणाली, ठीक। इसे आप लोग देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं भारत। तो इस रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की आयातित डोज की कीमत भारत में 995.40 पैसे होगी, यानी कि 995 की आप देख सकते हैं, 96 के करीब आसपास होगी इसकी कीमत रुपये। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण करने वाली डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने यह जानकारी दी कि स्पुतनिक वी जिसकी प्रभावशीलता 91.6% है, यानी कि आपकी जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है इससे ज़्यादा ये प्रभाव कर डाल रही है, एक तरह से अच्छे रिजल्ट दे रही है, ठीक है। और ऐसी तीसरी वैक्सीन है जिसके उपयोग को मंजूरी दी गई है, और वैक्सीन की पहली डोज शुक्रवार को हैदराबाद में दी गई है। और स्पुतनिक वी की आयातित डोज की इस कीमत में 5% GST शामिल है आपका, आप देखते हैं GST भी लगाया जाता है। और हालांकि अब जब देखेंगे आप लोग स्पुतनिक वी की डोज का निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा तो इसकी कीमत कम हो सकती है। जब हमारे यहाँ भारत में इसका निर्माण शुरू होगा उस समय हो सकता है कि इसकी कीमत कम हो जाए, लेकिन अभी आप देखेंगे 995-96 के करीब इसका रेट रखा गया है। और इस वैक्सीन के अगले सप्ताह से बाजार में उपलब्ध होने की संभावना भी है। और केंद्र सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। और आपने भी देखा होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो अभी तक आपको डेट नहीं मिली होगी, कई केंद्रों को बंद भी करना पड़ा है क्योंकि वैक्सीन की उपलब्ध ही नहीं है, वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि स्पुतनिक भी आयातित डोज की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंची थी और इस वैक्सीन को 13 अप्रैल को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। आपातकालीन कहने का मतलब है कि जब ज़्यादा ही इमरजेंसी है तब ऐसे एक तरह से उपयोग में देना, एक तरह से आप उपयोग में लाना, ठीक है। रेड्डी लेबोरेटरीज के अनुसार आयातित डोज की और खेपों के आगामी महीने में पहुंचने की उम्मीद भी है, और ऐसा वही माना जा रहा है कि जुलाई के करीब हमारे देश में भी इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस वैक्सीन की आपूर्ति भारतीय विनिर्माण साझेदारी की ओर से की जाएगी, और 91.6% के साथ स्पुतनिक वी की प्रभावशीलता अन्य दो वैक्सीन की तुलना में अधिक है। आप समझ सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट यानी कि अच्छे परिणाम दे रही है आपकी स्पुतनिक वी, जो आपकी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है इससे बेहतर रिजल्ट दे रही है। फिर ऐसा मत सोचिए कि ये दोनों बिल्कुल प्रभावशील नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, फिर आप लोग लगवाए ना, वो भी अच्छी है लेकिन उसके अगर आप तुलना करें तो उसके तुलना में ये अच्छी है, ठीक है। भारत में इस समय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है,
और कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जा रहा है, जबकि कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद में हो रहा है। और स्पुतनिक वैक्सीन लिक्विड और पाउडर दोनों रूप में है। पाउडर में आप देखेंगे कि जिस तरह से आप देखते हो ना ग्लूकोज, जिसे आप लोग पानी के जरिए पीते हैं, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं, दोनों रूपों में उपलब्ध होगी। और लिक्विड को -18 डिग्री तापमान में स्टोर करना होगा। और दूसरी जो आप पाउडर फॉर्म की बात करें, तो इसे 2 से 8 डिग्री के बीच रखा जा सकता है। और आप देखेंगे रूस ने पिछले साल अगस्त में दुनिया की पहली वैक्सीन बना लेने का ऐलान भी किया था, आप लोगों ने भी उस समय सुना होगा। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। उस समय आप उन्होंने देखा होगा कि अपनी बेटी को यह टीका भी लगाया था लगवाया था, जिससे क्या हो कि लोगों को भरोसा हो सके, समझ रहे हैं आप लोग। और वह अच्छा महसूस भी कर रही थी। और इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक भी रखा गया है, जो उसके एक उपग्रह का भी नाम है। किसके? रूस के। ठीक है, तो यही कहानी आपकी 995-96 रुपये में मिलेगी, और रिजल्ट इसका बेहतर है। और आप समझ सकते हैं, एक बात और है कि देखिए उसके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बेहतर रिजल्ट दे पा रही है। और कई जगह आप देखिए कि एक तरह से उसके पास अच्छी रिसर्च की होगी तो थोड़ी महंगी भी हो गई है। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति बनी हुई है, सरकार ने कितना मदद की हुई है वैक्सीन बनाने वाले सेंटरों को। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब आप सोचिए, कहीं अमेरिका की हो या फिर आप समझिए और अच्छे देशों की हो, तो वो और महंगी हो सकती है हमारे यहाँ देश में, तो ये भी देखने को मिलेगा। खैर छोड़िए, आप लोग वैक्सीन लगवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है इससे निपटना बड़ा मुश्किल है। और आप समझिए कि जब लोग कहते हैं कि कब ये सब खत्म कब हो जाएगा, तो आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति साहब हैं बाइडन साहब, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें अब मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो यही होगा, देखिए अधिकतर लोगों को वहाँ वैक्सीन दी जा चुकी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए आप समझिए हमारे देश में भी अगर अधिकतर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, दी जा चुकी होगी, तो उस समय हमारे देश में भी यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लगवाते रहिए और रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए, जब भी डेट मिलती है लगवाइए जरूर। ठीक है,